उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अलवर के गैंगरेप घटना पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस घटना को वोटिंग तक दबा कर रखा। मायावती ने कहा कि उनका मानना है कि कांग्रेस सरकार पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिला सकती। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे भी ज्यादा अत्यंत गंभीर वह दुख की बात यह है कि इस अति घृणित हुई घटना को वहां की कांग्रेसी सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में संबंधित पीड़ित परिवार को डरा धमका के इसे तब तक वहां उजागर नहीं होने दिया गया जब तक वहां पर उस सीट के वोट नहीं पड़ गए थे। क्या ऐसे में वहां की कांग्रेसी सरकार के चलते हुए उस दलित व पीड़ित महिला को समय से सही व उचित इंसाफ मिल सकता है? मैं समझती हूँ नहीं। हमारी पार्टी ये चाहती है कि इस अत्यंत दुखद व गंभीर घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसका संज्ञान ले तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और वह इस घटना की समयबद्ध व जल्दी ही सुनवाई करके इसके मुख्य दोषियों के विरुद्ध अपना सख्त से सख्त फैसला देने के लिए आ गया है। इसके लिए हमारी पार्टी की पुरजोर ये अपील भी है। इसके साथ ही हमारी पार्टी तो ये भी चाहती है कि इस घटना के मुख्य दोषियों के विरुद्ध फांसी की सजा होनी चाहिए, वह इससे कम नहीं, जैसे इन्होंने वह घिनौनी हरकत की है उसके पति के सामने। क्योंकि ये मामला अकेले दलितों के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरी महिलाओं के भी मान सम्मान से जुड़ा हुआ है।